ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसी जानकारी आपको भी मिल चुकी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो है और रोड शो के बाद वो हाजीपुर जाएंगे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले आपको बता दें कि पहले से कोई कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन अचानक से इंडिया गठबंधन एक्टिव हो गया और इंडिया गठबंधन की क्या कहें हम, एक्टिव हो गए हैं लालू प्रसाद। लालू प्रसाद ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लानिंग रच दिया है और इस प्लानिंग के तहत नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की चुप्पी और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का ये दर्शाना कि कुछ भी होने वाला नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के इस रैली या उसके उनके रोड शो का मुकाबला कर सके। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से लालू प्रसाद ने ये पूरा का पूरा प्लान रचा है और अचानक से पटना में एक बड़ी बैठक बुला ली है, उसको लेकर के चर्चाएं अब तेज़ हो गई है। सम्राट चौधरी ने इस विषय पर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिहार में पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है, राहुल गांधी आए या कोई आए, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है। और लोगों का सीधे तौर पर ये मानना भी है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है कोई, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने और कई सवालों के जवाब दिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि विजय सिन्हा भी एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो उनसे भी सवाल किए गए और उन्होंने सवाल के जवाब में जिस तरह की बातें कही वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं एक टेंशन तो ज़रूर है। विजय सिन्हा ने बातचीत के दौरान अपनी बातों को रखा और उन्होंने भी इससे बहुत ही ये कहा जाए तो इस तरह की बातें जारी की अपने बयानों में कि उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे थे कि निश्चित रूप से जब तक ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो नहीं जाती है और इसके निकलने वाले बातें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती है तब तक टेंशन बना रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिर से चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। आखिर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या है इन सारे विषयों पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के रूप में नीतीश कुमार ने ही यह सब कुछ किया था। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस बैठक के बाद या बैठक पर उनका विचार जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या मोदी के आने से पहले और उनके रोड शो से पहले इंडिया गठबंधन की ये बैठक आखिर किस दिशा में जाएगी और इसके क्या असर पड़ेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस विषय पर नीतीश कुमार का कोई बयान आए। हालांकि नीतीश कुमार मीडिया से अभी दूरी बनाए हुए हैं और कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इस मीटिंग का कोई असर नहीं पड़ने वाला है एनडीए गठबंधन पर और बिहार के जनता पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ ये सब कुछ चल रहा है वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बयानों को आपको दिखाते हैं हम, जिसमें उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि वो किसी भी तरह के टेंशन में नहीं है। लेकिन एक बात मान के चलिए, टेंशन तो जरूर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ और देखिए क्या कहा है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने। प्रधानमंत्री मोदी के पहले आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक है, क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार में? ये पूरा बिहार मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे जी आए, राहुल गांधी जी आए, लालू जी तो पहले से है ही, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। टेम्प्रोरी बाहर आ सकते हैं, लालू प्रसाद जी बीमारी के नाम पर बाहर आ सकते हैं, केजरीवाल टेम्प्रोरी बाहर आ सकते हैं, लेकिन जाना फिर जेल ही पड़ेगा। पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो है और पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। चलिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।